देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये तब की बात है जब मैं भोपाल के एक कब्रगाह में कब्र खोदने का काम किया करता था। ये बात सुनने में जितनी डरावनी लगती है ये उससे कहीं ज़्यादा डरावनी है। खासकर सूरज ढलने के बाद अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, मानो सभी कब्रें आपस में बात कर रही हों। कभी पायल की छनछन तो कभी किसी के रोने की आवाज़ें। ये आवाज़ें गहरी से गहरी नींद वाले को भी जगा दे। इतने दहशत के बावजूद भी मैंने वहाँ पर कभी भूत पिशाच जैसा कुछ भी नहीं देखा, जिससे धीरे धीरे मुझे वहाँ कब्रिस्तान में रहने की आदत हो गई। ज़्यादातर वक्त वहीं कब्रिस्तान में साफ सफाई या फिर बैठे बैठे बीतता था। महीने में एकाधी कब्र खोदने का काम मिलता था, मगर जब बरसात का मौसम शुरू हुआ तो कब्रों के खोदने का सिलसिला शुरू हो गया। आए दिन 4-5 लाशें कब्रगाह में आने लगी, जिसके चलते अब मैं पूरे पूरे दिन कब्र की खुदाई में लगा रहता। जल्द ही हालत बद से बदतर होती चली गई। कुछ ही दिनों में लाशों की तादाद इतनी बढ़ गई कि अब मैं अकेला उन सभी लाशों के लिए कब्र नहीं खोद सकता था, जिस वजह से 3 और लोगों को कब्र खोदने के काम पर लगाया गया। मगर हम 4 लोग मिलकर भी सभी लाशों के लिए कब्र नहीं खोद पाते थे। जहां पूरे इलाके में मातम सा पसरा हुआ था तो वहीं हमारा दम भी निकलने को था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सारी मौतें हो कैसे रही हैं। ऐसे ही एक रात जब मैं सोने जा रहा था कि एक औरत मेरे पास आई। उस औरत को देखते ही मैंने कहा, अरे मोहतरमा जी, आप इस वक्त यहाँ कब्रगाह में? आपको तो पता है ना यहाँ औरतों के आने पर पाबंदी है। इस पर उस औरत ने कहा, हाँ मालूम है, मगर मुझे अभी कब्र खुदवानी है। इस पर मैंने उस मोहतरमा से कहा, अभी अभी तो नहीं हो पाएगा, वैसे भी मौलवी साहब जा चुके हैं। ऐसा कीजिए, आप अपना नाम लिखवा दीजिए कल के लिए। ये बोलते हुए मैंने रजिस्टर उठाया और पूछा, किसके लिए खुदवानी है कब्र? इस पर उस मोहतरमा ने जवाब देते हुए कहा, मुझे अपनी कब्र खुदवानी है। ये सुनते ही मैंने उस मोहतरमा की तरफ अपनी निगाहें घुमाई थी कि वो मोहतरमा एकदम से वहां से गायब हो गई। मैं आसपास निगाहें घुमाते हुए उन्हें ही तलाश रहा था कि तभी मैंने देखा कि मेरे पांव के पास 3 लाशें रखी हुई हैं। उनकी लाशों को अचानक से वहां देखकर मैं थोड़ा घबरा सा गया। फिर जब मैं उन लाशों को देखने के लिए उनके करीब गया तो वो लाशें मेरी ही आंखों के आगे से गायब हो गईं। जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था जिसका यकीन कर पाना बड़ा ही कठिन था। खैर, डर के मारे मैं उस रात सो ही नहीं पाया और सुबह होते होते मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया। अब मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। एकदम से मेरा पूरा शरीर खाली खाली सा लगने लगा था, जिस वजह से मैं पूरा दिन वहीं बेहोशी सी हालत में लेटा रहा। उसी रात मुझे ऐसा लगा कि कोई कब्र खोद रहा है, वो भी मेरे बेहद करीब। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि मंसूर मेरे ठीक बगल में कब्र खोद रहा है। मैंने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे मंसूर, इतनी रात गए कब्र क्यों खोद रहे हो, वो भी यहाँ पर? मेरी बात सुनते ही मंसूर ने मेरी तरफ देखा और एकदम से फूट फूट कर रोने लगा। उसे उस कदर रोता देखकर मैंने पूछा, अरे मंसूर, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो और ये कब्र किसके लिए है? इस पर मंसूर ने कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली, फिर कुछ देर बाद दम भरते हुए बोला, तुम्हारे लिए। ये बोलते ही वो एकदम से रोते हुए वहां से चला गया। मैं आवाज देता रहा मगर वो ना तो रुका और ना ही पीछे पलटकर देखा। मेरी हालत तो पहले से ही नासाज थी, ऊपर से ऐसी बातों ने मुझे करीब करीब मौत के मुहाने तक पहुंचा ही दिया था। खैर, किसी तरह रात बीती और जब सुबह हुई तो पता चला कि मंसूर की मौत हो गई है।
पूछताछ से पता चला कि उसे रात में अचानक ही सीने में बहुत तेज दर्द उठा और पल भर में ही उसकी मौत हो गई। उसे दफनाने के बाद जब मैं फारूक और अलाउद्दीन के साथ बैठकर मंसूर की मौत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे, तभी फारूक ने कहा, कल से कोई लाश नहीं आई है कब्रगाह में। ये एक बड़ी ही हैरानी वाली बात थी। अचानक ही लाशों का आना थम गया था। फिर जब मैंने अपनी और मंसूर की बात उन दोनों को बताई तो फारूक और अलाउद्दीन बेहद डर गए। उन्हें लगा कि अगर वो भी यहां पर रुकेंगे तो कहीं उनकी भी मौत ना हो जाए, जिस वजह से फारूक और अलाउद्दीन उसी वक्त कब्रगाह से निकल गए और मैं वहां पर अकेला पड़ गया। उनके जाने के बाद मुझे अजीब अजीब ख्यालों के साथ बेचैनी होने लगी। तकरीबन रात के 3 बजे के आसपास अचानक ही रोने की आवाजें पूरे कब्रगाह में गूंजने लगी और हद तो तब हो गई जब उन कब्रों से लाशें बाहर आने लगी। उन लाशों को कब्रों से बाहर आता देख मेरे सीने में बहुत तेज दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि मानो सीना अभी फट जाएगा। बढ़ते दर्द के कारण मैं एकदम से खड़ा हुआ कब्रगाह से बाहर जाने के लिए, मगर तभी मैं एकदम से लड़खड़ाया और वहीं एक खाली कब्र में जा गिरा। कब्र में गिरते ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे उस कब्र से कुछ लोग बाहर निकालते हुए नजर आए। फिर मेरी नजर मौलवी साहब पर पड़ी और उन्होंने बताया कि ये सारी मौतें पुरानी हवेली की मालकिन की आत्मा कर रही है, जिनकी लाश उनके हवेली में कल ही मिली है। हवेली की मालकिन की ख्वाहिश थी कि उनकी लाश उनके सोहर के कब्र के करीब दफनाई जाए। फिर मौलवी साहब ने उस हवेली की मालकिन की लाश उनके शोहर के पास ही दफन कर दी। उसके बाद से वहां फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन मैंने जल्दी ही वहां से रुख्सत ले ली और अब मैं कब्र खोदने का काम बिल्कुल भी नहीं करता हूं। शायद उस हादसे ने मेरे जहन में खौफ भर दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।